यस, कंटिन्यू द टॉपिक। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको फोटो खींच के भी सेंड करूंगी, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमें सारी टर्म्स की मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए पहले कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। कहीं पर भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स लिखा हुआ आ जाए, एंजियोस्पर्मिक का मतलब होता है जहां पर फ्लावर की बात की जाए, ठीक है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। दो टर्म होती थी, एक एंजियोस्पर्म, दूसरी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते थे, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जहां भी एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन, क्योंकि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसलिए सेक्सुअल ऑर्गन नाम दिया गया है। कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ग्रीन कलर का नीचे फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं कैलिक्स। क्रोला मतलब जो कलरफुल लीव्स होती हैं, जैसे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्रोला, ठीक है। ये दोनों टर्म्स, ये जो दोनों पार्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम टर्म ली गई है मेल के लिए और गाइनोशियम टर्म ली गई है फीमेल के लिए। ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों चीजें हो, मेल भी और फीमेल भी, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। और ये टर्म हमेशा हमें याद रखनी है, या तो परफेक्ट बोलेंगे उस प्लांट को, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं उस प्लांट को, या हर्मेफ्रोडाइट। ये वाली टर्म बहुत बार पूछी जाती है, परफेक्ट एंड हर्मेफ्रोडाइट, कि हर्मेफ्रोडाइट, व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट। तो आप बताओगे ऐसा प्लांट जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम या बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट पार्ट्स आर प्रेजेंट, उनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स। एनी ऑफ टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मिसिंग। इन दोनों में से किसी एक का मिस होना प्लांट के अंदर, मतलब कोई एक ही रहना, उसके लिए टर्म यूज करते हैं इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल प्लांट। फंगस और प्लांट्स में समटाइम इस इन टर्म्स के लिए परफेक्ट, इम्परफेक्ट या हर्मेफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल की जगह एक टर्म यूज की जाती है, बाइसेक्सुअल के लिए होमोथैलिक और यूनिसेक्सुअल के लिए हेट्रोथैलिक। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग, कि मेल किसी में फीमेल किसी में, तो इसलिए हेट्रोथैलिक। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों एक में प्रेजेंट है, होमोथैलिक। मेल फ्लावर के लिए टर्म यूज की गई है स्टेमिनेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर के लिए टर्म यूज की गई है पिस्टिलेट फ्लावर। वो जो पिस्टन होती है पतली सी, उसके लिए टर्म यूज की है पिस्टिनेट, और मेल फ्लावर के लिए टर्म यूज की है स्टेमिनेट, ठीक है। बोथ एसेंशियल होल्स आर एब्सेंट। अब मान लीजिए हमारे प्लांट के अंदर ना तो मेल पार्ट है ना ही फीमेल पार्ट है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, न्यूटर, NEUTER, न्यूटर। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, उनके लिए एक और टर्म दी गई है मोनोशियस, ठीक है। जिस प्लांट में, जो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए टर्म दी है मोनोशियस। जैसे कि मेज का प्लांट, कैस्टर का प्लांट, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है मेल भी और फीमेल भी। अब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। एक प्लांट में मेल फ्लावर है और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो उसके लिए टर्म यूज की गई है डाइशियस, ठीक है, जैसे पपाया, डेट, पाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। मैं आज उसकी फोटो क्लिक करके वो भी आपको सेंड करूंगी। थैंक यू क्लास।